रोहतक के सिविल हॉस्पिटल के सामने दो युवकों का झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित युवक ने आरोपी युवक पर कैंची से वार करने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के अनुसार रोहतक के संजय कॉलोनी के रहने वाले रोहित ने बताया कि वो अपनी रेड़ी लेकर जा रहा था कि सामने वरुण नाम के एक युवक ने उसे गाली गलौज देना शुरू कर दिया, जिसके बाद गाली देने से टोका तो वरुण ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसके सिर पे गंभीर चोटें आई। रोहित ने आरोप भी लगाया है कि उसके सिर में कैंची से वार किया गया है। वही रोहित को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। क्या नाम है? रोहित नाम है। क्या हुआ? ये लड़ाई होगी तो आप दर फोन कर रहा था, पीछे लड़की देख हम आए क्या मार रहे हो? देखो ना अब पट्टी करवा ले पहले। पत्ते हो भाई, काम में अड़ची पिट रहा है। जाओ 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 जाओ, यो अकेला आई को अपने पापा को बात ना बुलावा, अड़गाली पकड़ ले। कितना थोड़ा करवा रहे हो?